Hello friends, my name is Shipra, assistant professor at AIHT, Asian Institute of Hospitality and Tourism. Guys, घूमना किसको पसंद नहीं है? सबको पसंद है. और सोचिए उस घूमने के साथ साथ अगर आपको कमाने का मौका मिल जाए तो कैसा रहेगा? ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए. तो देखा आपने किस तरीके से ये लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं. ऐसे ही आप भी घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, लेकिन अपना एक पैसा खर्च किए बिना. जी हाँ, जो लोग इनको घुमाते हैं और इनके साथ ट्रैवल करते हैं वो एक प्रोफेशन है जिसमें आप बहुत सारा कमा भी सकते हैं, बहुत घूम भी सकते हैं और अपने आप को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं. और ये सपना पूरा करने के लिए आपको बनना पड़ेगा एक गुड टूर मैनेजर. और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ टिप्स, कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप एक अच्छे टूर मैनेजर बन सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं वो 5 टिप्स जिससे आप एक अच्छे टूर मैनेजर बन सकते हैं. पहला इम्पॉर्टेंट टिप जो है वो ये है कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए. अगर आप चाहते हैं और खुद भी घूमना चाहते हैं, लोगों को घुमाना चाहते हैं, तो एक बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि एक नॉलेज होना ज्योग्राफी की, कल्चर की, जगहों की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसके लिए आप सबसे पहले जो कर सकते हैं, अपने घर में एक ग्लोब लाकर रख सकते हैं जिससे आपको एक बेसिक नॉलेज मिलना शुरू हो जाए कि क्या क्या जगह हैं, क्या क्या कॉन्टिनेंट्स हैं, क्या क्या कंट्रीज़ हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और घूम सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं. तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टिप की तरफ, जो कि है प्रेजेंटेशन स्किल्स. किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास प्रेजेंटेशन स्किल्स की क्वालिटी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सेम जैसे दूसरे कामों में चाहिए, ये भी एक ऐसा प्रोफेशन, एक ऐसा जॉब है जिसमें आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए. जिसमें आप कैसे दिख रहे हैं वो बहुत मैटर कर रहा है, आप लोगों से कैसे बात कर रहे हैं वो बहुत मैटर कर रहा है, और आप किस तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि यहाँ पर आप एक बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बहुत लोगों को फेस कर रहे हो. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास लोग आने से डरे और अपनी प्रॉब्लम शेयर करने से, आप बात करने से डरें. आपका नेचर बहुत ओपन और लाइवली होना चाहिए सो दैट पीपल कैन कम टू यू एंड शेयर देयर कंसर्न्स एंड देयर इश्यूज विद यू. बिकॉज दिस इज अ मस्ट जॉब फॉर अ टूर मैनेजर कि वो अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को उनकी बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करें जिसके लिए वो उनके साथ हैं. नेक्स्ट टिप, जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, वो है लीडरशिप. ये वर्ड ही अपने आप को डिफाइन कर रहा है कि इसमें एक ऐसा रोल आपको प्ले करना है जहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबल हैं पूरे ग्रुप के लिए जिसको आप लेकर अपने साथ चल रहे हैं. एक लीडरशिप क्वालिटीज़ जो होनी चाहिए एक टूर मैनेजर में, वो है उसका डिसीजन मेकिंग. द बेस्ट डिसीजन मेकिंग विल लीड टू द बेस्ट टूर एक्सपीरियंस. देन फ्लेक्सिबिलिटी, एक टूर मैनेजर का फ्लेक्सिबल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के साथ डील कर रहा है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है. तो ये एक बहुत बड़ी लीडरशिप क्वालिटी है जो एक टूर मैनेजर में होनी चाहिए. इसके साथ साथ उसका बहुत ही सेंसिटिव होना इंपॉर्टेंट है ताकि वो लोगों के इश्यूज़ को टच कर सके, फील कर सके और उनको समझ कर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसका एंथुसियास्ट होना. अगर वो एक बहुत ही एनर्जी लेवल के साथ काम कर रहा है तो वो अपने एक ग्रुप को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे सकता है अपने एनर्जी के साथ में. जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो है ट्रेनिंग. एक ट्रेनिंग जो आपको ये सिखाती है कि अगर आप एक दूसरे देश में हैं तो वहाँ पे किस तरीके से बात करें, अगर आप वहाँ किसी प्रॉब्लम में हैं तो कैसे आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, एम्बेसी से कैसे डील करें, ट्रांसपोर्टर से कैसे डील करें, होटल से कैसे कॉन्टैक्ट करें, वेंडर मैनेजमेंट कैसे करें, और ये सब चीज़ें जो कि आपको एक अच्छा टूर बनाने में, एक अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट करने में हेल्प करती है, वो एक ट्रेनिंग से ही आपको मिल सकता है. तो ऐसे ही कई और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टिप्स जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ AIHT, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म के साथ.